आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। आसी नगर जोन में हजारों महिलाओं की भीड़, आपस में झगड़े और कामगार योजना का फॉर्म लेकर महिलाओं का हंगामा। इससे पहले भी सुरेश भट्ट सभागृह में ऐसे ही भीड़ के कारण एक महिला की जान जा चुकी है। अगर यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया तो ये किसकी जिम्मेदारी? नागपुर महानगर पालिका के जोन ऑफिस में गरीबों के फॉर्म गायब, अधिकारियों की दर्शाई जा रही है लापरवाही। नागपुर महानगर पालिका के जोन ऑफिस में गरीब परिवारों को मिलने वाली स्कीम के लिए दिए गए फॉर्म अचानक गायब हो गए हैं। ये घटना करीब 6 महीने पुरानी है और जब से इस स्कीम का लाभ लेने वाले गरीबों को पता चला है, तब से गरीब परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर जाओ नीचे जाओ थप्पे के लिए सिग्नेचर मार दिया है क्या अधिकारी ने? ये वोटिंग के पहले भी फॉर्म भरे थे, मिला भी नहीं। क्या बोल रहे अधिकारी, क्या बोल रहे? ऊपर जाओ नीचे जाओ कर रहे ना, यहाँ पर लोग नीचे, अभी हम नीचे लोगों से मिले, 4-5 चक्कर हो गए सिग्नेचर लेने के बाद भी थप्पे के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जमा करने के बाद फॉर्म दूसरे दिन मिल नहीं रहे, नहीं मिलते, दूसरे दिन का 1 महीना बाद भी नहीं मिलते, घूम जाते है अभी तक के भी, अभी भी सिग्नेचर 6 महीने के बाद भी एक भी फॉर्म नहीं मिल रहा, ढूंढ ढूंढ के परेशानी हो गए। कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए। वोटिंग के पहले की तारा वोटिंग के पहले 5-6 दिन हो गए, आना जाना फिर बुलाए तो इधर से उधर, उधर से इधर जाओ बोल रहे। स्कीम के तहत गरीब परिवारों को सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जोन ऑफिस में फॉर्म गायब हो गए हैं। गरीब परिवार जो इस स्कीम का लाभ लेने की आशा में थे, अब ये गरीब परिवार समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इनको आगे क्या करना होगा। जोन ऑफिस के अधिकारियों पर अब आरोप लग रहा है कि वो इस मामले को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं और अब जोन ऑफिस के अधिकारी हर रोज गरीब परिवारों को नए नए बहाने देकर टाल रहे हैं। अभी राउत साहब ने यहाँ पर बोला है कि 4 इंजीनियर नए वाले बैठे, 4 इंजीनियर नए वाले कौन कौन थे? ऊपर है के? वो तो बोले नीचे भेजा हूँ मैंने, अभी दो ही जाने आप लोग। राउत साहब ने बोला है 4 जन को भेजा हूँ, यहाँ 2 जन है, मैं राउत साहब के पास जा रहा हूँ। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, लोग अपने बाल बच्चों छोटे छोटों को छोड़ के आए, मैं प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी गलती बोलूंगा और मैं राउत साहब के पास जाके 4 आदमी बोले उन्होंने नीचे में भेजने का, मैं उनसे बात करता हूँ। गरीब परिवारों का कहना है कि अधिकारी बस समय बीतने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। अब हर रोज महानगर पालिका पे सवाल उठ रहे हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। गरीब परिवार सरकार से इस मामले की जांच करने की मांग कर रही है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। जवाबदार रहेंगे कांतोले जी रहेंगे, इब्राहिम भाई रहेंगे, ये जवाबदार रहेंगे। ये आरे कांतोले जी, ये फोन करेंगे सरपाटे जी को और उनको बुलाएंगे। ये माननीय नगर सेविका के आदमी, ये माननीय नगर सेविका, ये जवाबदार रहेंगे, सरपाटे साहब को फोन करेंगे। एक बात बताइए, पब्लिक का यहाँ पर लगातार जो हंगामा चालू है, सुबह से हजारों की भीड़ है और यहाँ तक की यहाँ मारपीट भी हो रही, और जब इतनी पब्लिक है यहाँ पर, पब्लिक को देखते हुए यहाँ पर अधिकारी क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे और टेबल क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? अधिकारी राउत साहब कहाँ गए? राउत साहब ने आइटम दिए कि 4 आदमी नीचे है, 2 ही आदमी वहाँ पर है, ये पूरे लोग परेशान है तुम्हारे प्रभाग के। उत्तर नागपुर, 1 मिनट, उत्तर नागपुर की जनता परेशान है, प्रभाग 3 की, प्रभाग 6 के एकाध है क्या? एकाध जान वो देखो, 2 वाले और 3 वाले प्रभाग के, नगर जोन के सभी इसी प्रभाग के नहीं है, ठीक है, एक प्रभाग ज्यादा है 3। नहीं नहीं सर, ठीक है, नहीं मुझे इसका जवाब चाहिए कि यहाँ मैं अभी आया हूँ, क्या है मेरे को भी नहीं पता। आप यहाँ पर है माननीय नगर, माननीय नगर सेवा कांतोले अभी आए, ये सरपाटे जी को फोन करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई तुम्हारा चार्ज है, पता ही नहीं, अभी पूछेंगे कि भैया तुम्हारा चार्ज है, तुम चार्ज इसको कैसी तबीयत अच्छी हो गई कि नहीं हो गई वो बात पूछेंगे। इतना बताइए, ये जो यहाँ पर फॉर्म जो भरे जा रहे, ये किस चीज के फॉर्म भरे जा रहे और क्या है ये? इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। लेकिन सर फॉर्म किस चीज के भरे जा रहे? बेरोजगार के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगार के फॉर्म। अरे ये खेती वाले फॉर्म है, कामगार वालों के फॉर्म है। बात करता हूँ मैं अभी संबंधित।
एक महीने से फार्म जमा है मेरा, अब वो सर को चिकन बुनिया हुआ वो तो आने बोल रहे। अधिकारी क्या बता रहे हैं आप? अधिकारी ये बोल रहे सोमवार को आ जाओ, मंगल को आ जाओ, बस आ रहे हैं और सर मिल रहे नहीं है। ये तो थी नागपुर महानगर पालिका के जोन ऑफिस में गरीबों के साथ हो रही अन्याय की एक कहानी। आगे देखते हैं कि क्या इस मामले में कोई कदम उठाए जाते हैं या गरीब परिवारों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग एक महीने से आ रही भैया, मैं सोमवार का फॉर्म भरी, इतना परेशान हो रहे हर को, बाबू लोग दो दिन में तीन दिन में बुला रहे, कोई जेब का पैसा नहीं दे रहे, लेकिन जनता को परेशान करके रखे। कौन से एरिया से रहते आप? मैं शिवाजी चौक से हूँ, गरीब ना शिवाजी चौक यशोधरा के पास से है। हाँ। और एक महीने से यहाँ पर आ रहे हैं, एक महीने से आपको क्या है, आपको कोऑपरेट कर रहे अधिकारी यहाँ के कर्मचारी? कुछ भी नहीं कर रहे सब, जो बाबू लोग परसों की दिन आओ नरसों की दिन आओ, कोई काम करके नहीं दे रहे, रहते ही नहीं, छुट्टी पर ही बोलते बीमार है, कितने दिनों से बीमार है, सभी को चिकनगुनिया हो रहा, ठीक नहीं हो रही है, थोड़ी लग जा रहे एकदम बीमार पड़ने को। अरे अगर मैं मोदी सर अगर काम नहीं करवाना है ना तो जनता को आस मत दो, सीधा डायरेक्ट ये तूफान को ब्रेक मार दो, क्योंकि जनता को परेशान मत करो, काम धाम छोड़ के बच्चों को रुला के अदरों से 4 रुपए खर्चा करके आ रहे, फिर काहे को स्कीम निकाले, मैं बोलूं ये बंद कर दो और नहीं तो